इस साल ऑस्कर अवार्ड के लिए विदेशी फिल्म्स की कैटेगरी में भारत की तरफ से मलयालम फिल्म जलीकुट्टी को चुना गया है। हर साल ऑस्कर में इंटरनेशनल फिल्म फीचर्स या विदेशी फिल्म्स की कैटेगरी के अलग अलग देशों से फिल्म भेजी जाती है। भारत से भी एक फिल्म भेजी जाती है। इस साल भारत की तरफ से मलयालम फिल्म जलीकुट्टी इस कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री है। इससे पहले फरहान अख्तर और जया अख्तर की फिल्म गली बॉय साल 2020 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई। लेकिन फिल्म का वहां तक जाना ही अपने आप में एक सम्मान की बात थी। अब भारत की तरफ से एक और फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए भेजी गई है। मलयालम फिल्म जलीकुट्टी को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से भेजा जाना एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है। जलीकुट्टी के साथ ऑस्कर 2021 में भारत को ऑफिशियली एंट्री भी मिल चुकी है। जलीकुट्टी को 93 एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स कैटेगरी के लिए भेजा गया है। अब देखना होगा क्या जलीकुट्टी इस पर अपनी जगह बना पाती है या नहीं। जलीकुट्टी को 27 फिल्मों में से चुना गया था। इस फिल्म का प्रीमियर सबसे पहले 6 सितंबर 2019 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, जहां इसकी काफ़ी तारीफ हुई। इसके बाद 4 अक्टूबर 2019 को इसे केरल राज्य में रिलीज़ किया गया। यह फिल्म बुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रकाशित की गई। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया में इस फिल्म के डायरेक्टर लीजो जॉन्स को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म में एंटोनी वर्गीस, चेंबर विनो जोस, सबू मोन अब्दुल समद और सेंटिनी बालचंद्र फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण है। फिल्म में वॉर्क और एंटोनी नाम के शख्स एक कसाई खाना चलाते हैं, जहां भैंस वहां मारकर उसे बेचा जाता है। एक दिन एक भैंस कारखाने से भाग जाता है और पूरे गांव में आतंक मचा देता है। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। पूरा गांव उसे पकड़ने में जुट जाता है, लेकिन भैंसा किसी के काबू में नहीं आता। फिल्म में भैंस को अलग अलग तरह से काबू करने की कोशिश दिखाई गई है। साथ में भैंस खुद को भीड़ से कैसे बचाता है ये दिखाया गया है। फिल्म में इसके साथ ही कई साइड स्टोरी भी चलती है, जिसमें गांव की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उठाया गया है। हमें उम्मीद है कि ये हमारी इंडियन फिल्म ऑस्कर में कुछ कमाल करेगी। और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें B20 के साथ। नमस्कार।